बिहार के आरा में संपत्ति हड़पने की लालच में एक देवर ने अपने साले के साथ मिलकर घर में सो रही भौजाई और अपने बड़े भाई पर जानलेवा हमला करते हुए अंधाधुंध फायरिंग की है। जायज गोलीबारी की घटना में एक महिला बुरी तरह जख्मी हो गई, जिसे परिजनों के द्वारा गंभीर स्थिति में इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना मंगलवार की देर रात जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के खेड़ी गांव की है। इधर जमीनी विवाद में की गई गोलीबारी में जख्मी महिला का पति किसी तरह बक्से के नीचे छुपकर अपनी जान बचाई और हो हल्ला किया, जिसके बाद आरोपी मौके से भाग निकले। घायल महिला खेड़ी गांव निवासी जयराम यादव की 40 वर्षीय पत्नी सविता देवी है, जिसके बाएं साइड छाती में 2 गोली लगी है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंच आरोपियों को गिरफ्तार करने और पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। गोली से जख्मी महिला सविता देवी की माने तो वो अपने पति जयराम यादव के साथ घर में सोई हुई थी। इसी बीच उसका देवर श्रीराम यादव और उसका साला सुमन कुमार दीवार फांदकर घर में घुस आए और दरवाजा खुलवाकर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। वो कुछ समझ पाती तब तक उसके सीने में गोली लग गई और वो बुरी तरह जख्मी हो गई। महिला ने बताया कि उसका देवर श्रीराम यादव संपत्ति हड़पने की लालच में पहले भी मारपीट कर चुका है और अक्सर जान से मारने की धमकी भी देता था, जहां आज उसके द्वारा गोलीबारी की इस घटना को अंजाम दिया गया है। जबकि घायल महिला के भैंसुर जय कुमार सिंह ने बताया कि श्रीराम यादव और उसका साला सुमन कुमार जमीनी विवाद को लेकर अपनी बड़ी भौजाई सविता देवी और उनके पति जयराम यादव पर जानलेवा हमला करते हुए करीब 6 से 7 राउंड फायरिंग किया है, जिसमें 2 गोली महिला को लगी है और उसका पति किसी तरह बक्से के नीचे छिपकर अपना जान बचाया। हम लोग गोली की आवाज और हो हल्ला सुनकर जब पहुंचे तो आरोपी वहां से भाग गए थे, जिसके बाद हम लोग घायल महिला को इलाज कराने के लिए अस्पताल लाए हैं। देवर काहे के विवाद रहे? कितना जमीन के? जमीन बेच के हमरा के पैसा 10-7 लाख रुपया। अच्छा, अति हमर मम्मी बैले भाई तो हम ही के बेच के हथियार गए ना, यही खाती को 6 महीना से धमकी देते हैं तो हम पहले पर सही कहते हैं आए बे इसने सो रहे घर में तो हम गेट खोले थी छोटा फैन के आए गए थी तो गेट खोल के दूर के आए थी पता मारो पीट भाई लाग डायरेक्ट गोली मार देला हाँ। को भाई राउत पति हमें रावपति को भाई है? वो कौन नंबर को वाला है? देवर जो माजिल है का नाम है उनका? राव नाम का है। रावपति के नाम घर कैसे घटना घटी है? मामला है यो अपना भाई से जमीन मांग रहा था, भाई ने बोला कि मम्मी जिंदा है, नौजवान है, हम हिस्सा देने वाला कौन है। इसके बाद में वो बार बार धमकी देते रहा था। कौन था वो? इनका श्रीराम जो जयराम का बड़ा भाई है, छोटा भाई। तो बोला कि तू का दोनों का जीना नहीं है। तो बोला कि ठीक है नहीं जीना है तो अगर लिखा होगा आप ही के हाथ से तो मर जाएंगे। इसी बीच आज है 7 बजे शाम से लोग टहल रहे थे, उनका साला और श्रीराम, और 10 बजे करीब में वो लोग छतवाली फान कर इनका आंगन में कूद कर और इनको दरवाज़ा खुलवाया, और खोलते ही दरवाज़ा वो अपना फायर करना शुरू कर दिया। तो 6 फायर चलाया। इसके बाद में इनका पति था जो बाकस के नीचे बैठ गया और इनका छाती में 2 गोली स्पॉट लगा और ये शोर मचाई। हम लोग का बगल में घर था, हम लोग दबे हुए गए तब तक वो फायर करते हुए फरार हो गए। माने देवर द्वारा ही भाभी को गोली मारी? अच्छा, संपत्ति के मामले में लेकर, जिससे इनका कोई संतान नहीं है इनका। अच्छा, और साजिश के तहत के दोनों के मारेंगे तो उसका 3 बच्चा है, लेकिन इनका 15-20 साल शादी करते हो गया, इनका बच्चा नहीं है। अच्छा, और संपत्ति हड़पने के लिए इनको दोनों जान से मारने का नियत से वो लोग घर में। पहले भी ऐसा कुछ घटना हुआ था? पैसा भी मतलब लाठी से मारपीट किया था, मारपीट हुआ था। हाँ, और ये बार बार कह रहा था कि मम्मी नौजवान है, मम्मी से अपना हिस्सा ले लो, हिस्सा लिखवा लो, लेकिन हम हिस्सा देने वाला कौन है भाई, इतना ही बात। कौन सा गाँव का मामला है? खेड़ी गाँव का है। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जय कुमार सिंह। आप कौन हुए जख्मी के? वो जख्मी तो मैं तो भंसुर है। बस ठीक।